नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और दोस्तों साथ ही हम आपको बताएंगे कि हमारा तालाब रहता है, जो तालाब के अंदर 220 वोल्ट या हाई वोल्टेज की वायर अगर शॉर्ट होकर के तालाब के अंदर गिर जाती है चालू वायर, तो दोस्तों पूरे तालाब में करंट आना चाहिए। लेकिन दोस्तों पूरे तालाब में करंट नहीं आता है, तो दोस्तों साथ ही समुंदर रहता है, समुंदर के अंदर हाई वोल्टेज की लाइन शॉर्ट हो जाती है अंदर समुद्र के अंदर और पूरे समुद्र में करंट नहीं आता है। तो दोस्तों वो क्यों नहीं आता है उसी के बारे में हम बताएंगे। और दोस्तों जैसे ही अगर हमारे घर पे रहता है 220 वोल्ट की वायर अगर कट होकर के शॉर्ट सर्किट होने पर हमारे फर्श पे गिर जाती है और फर्श पानी से भीगा हुआ रहता है तो पूरे फर्श पे करंट आता है। लेकिन दोस्तों तालाब के अंदर ऐसा नहीं होता, तालाब में करंट नहीं आता और फर्श पे करंट आता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ा रीजन होता है, तो दोस्तों इसी के लिए हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप बने रहिए लास्ट के अंत तक, तभी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जैसे कि दोस्तों तालाब रहता है, तालाब के अंदर वायर शॉर्ट होकर के 220 वोल्ट या हाई वोल्टेज गिर जाती है तो पूरे तालाब में करंट नहीं आता है। तो दोस्तों पूरे तालाब में करंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि दोस्तों तालाब रहता है वो ऑलरेडी अर्थिंग से ग्राउंडिंग रहता है। और जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो हमारे पास एक तरह का टप है, इसको भी हमने पानी से भर लिया जो कि नॉर्मल पानी है और इसको हम घरों में यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लो जैसे कि ये पानी है, इस पानी के द्वारा मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों 220 वोल्ट मैंने सप्लाई इसमें ऑन कर ली है और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने एक वायर पानी में डाला और दूसरा वायर भी पानी में डाला, तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो कि हमारा बल्ब ग्लो हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों ये पानी हमारा अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है। यदि दोस्तों इसको मैं अर्थिंग से कनेक्ट कर देता हूँ तो दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों समुंदर हो या तालाब हो तो उसमें हाई वोल्टेज की लाइन गिर जाने पर करंट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा ही पूरी तरफ से जमीन के अंदर ग्राउंडिंग रहता है। तो दोस्तों जो हाई वोल्टेज कितनी भी हाई वोल्टेज रहती है वो जमीन के अंदर चली जाती है और किसी को शॉर्ट नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये ग्राउंडिंग नहीं है, इसी कारण हमारा बल्ब ग्लो हुआ। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो अगर मैं इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दूंगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट, तो कभी आपने देखा होगा कि 220 वोल्ट सप्लाई का वायर गिरकर फर्श पे गिर गया और किसी घर के अंदर किसी सदस्य को करंट आ गया, फर्श के अंदर फर्श पे पानी भी होता है। तो दोस्तों फर्श के अंदर पानी धुला हुआ होने पर और वायर 220 वोल्टेज का वायर गिर जाने पर और किसी सदस्य को करंट आ जाता है, जिससे बहुत बड़ा हादसा भी होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों फर्श पे जब पानी गिरा हुआ रहता है वो ग्राउंडिंग कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि ग्राउंडिंग वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है। अगर प्रॉपर कनेक्ट होगा तो करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि हमें करंट आता है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमें समुंदर और तालाब के अंदर हमें करंट नहीं आता कितने भी हाई वोल्टेज हो। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि हमें तालाब और समुद्र में क्यों नहीं करंट आता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये चैलेंज कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करिए। और दोस्तों इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप कभी ट्राई ना कीजिए क्योंकि दोस्तों जब भी इसमें 220 वोल्ट सप्लाई डालते हैं तो एक प्रकार का पानी चुंबक का काम करता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी हरकिस आप ना कीजिए। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ बताने के लिए है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।